पहले तो जजिस को मेरा नमस्ते प्रणाम। नमस्ते। कुछ दिनों से सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर में भी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम है, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है अभी 3-4 महीनों से, कोई अभी हेल्प नहीं कर रहा, और पापा भी ना तो कुछ काम कर सकते ना कुछ, खाली घर में रहते अभी। मम्मी जब भी मुझे फ़ोन करती तो रोने लग जाती है कि मैं बहुत याद कर रही हूँ तुम्हें, तो उन चीज़ों से मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक प्रेशर सा हो गया, तो मैं गाने को नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे टाइम चाहिए होता कि मैं वापस मेरे जो गांव है वहाँ पे मैं जाऊँ और कुछ दिन रहूँ, बस मुझे बहुत दुख की बात है क्योंकि यहाँ पे आने में इतनी बड़ी किस्मत बन जाती है सर, पर मैं बहुत मतलब कह नहीं पा रहा हूँ सर, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं आगे तक नहीं जा सकता, मतलब मुझे इस शो को यहाँ ही करना पड़ेगा सर। म्यूजिक से मुंह मोड़ना चाहते हो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हर आर्टिस्ट की एक जिम्मेदारी होती है, एक जवाबदारी होती है, जो लोग आपके साथ अपने अरमान जोड़ लेते हैं ना, उनकी तरफ आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है, तो ये भी जो हिमेश कह रहे हैं बहुत सही बात है। सवाय, एक बात बोलूं? जी मैम। हमारे जजेस आपको इतना समझा रहे हैं, ये पल आपको खोना नहीं चाहिए, ये आपका स्ट्रगल है। आपकी मम्मी की एक आशा है। ये स्ट्रगल तो पहले भी था, अभी भी है, तो ये बात जो है आप यहाँ इतनी दूर तक आ पाई हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मम्मी को आप क्या जवाब दोगे। आसमान चाहे मेरा तू ही। खिड़की के पास मैं ना ये देख देख के आई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगे बादल देखे, मतलब आसमान पर उड़ी थी। मेरे सारे सपने तेरे तू ही जी ले। जिंदगी में पहला बार ये मेरा अच्छा दिन गया। जो सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रहे, वो सारे सुविधाएं दिलाने के लिए भी तैयार हैं। इंडियन आइडल और जजेस सभी आपके साथ है, ये आपके परिवार है, हम सब आपके परिवार है, आप क्यों हमको अलग रख रहे हो आप? Well said, ma'am. Thank you. बाकी आपका आपकी मर्जी है। सवाई बहुत दुखी है, हमको मांग के खुआता है, मजूर करके खुआता है। सुख देने को हमारे पास सही क्या है, प्यार के सिवा कुछ नहीं, आशीर्वाद दे सकते। दोनों है ना भाग्यशाली, ये नसीब वाले हैं, जो सवाई जैसा लड़का मिला, ये लाखों में एक। कभी कोई टाइम हमारा भी ऐसा हो तो इसी चीज सर मैं करना चाहता हूँ, और मैं करूँगा जितना हो सके, मैं अपनी मम्मी पापा के लिए बहुत करूँगा। महान जजेस के इतने मतलब एक भगवान बोल रहा है मुंह से, तो मैंने ठान लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। और हम तुमसे यही उम्मीद कर रहे थे, और तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका हल जरूर निकलेगा, कोई फिक्र मत करो, लेकिन तुमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है बेटा। ऑलराइट, तो कंटेस्टेंट्स मैं चाहता हूं जितनी जोरदार तालियों से आप फिर से स्वागत कर सकते हैं उतनी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सवाई का वापस अपने कंटेस्टेंट ब्लॉक में, जोरदार तालियां हो जाए, आइए। वेरी गुड, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।